नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज जैसा कि सामने देख रहे हो 1857 और आगवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाते हैं। कोशिश रहेगी एग्जाम में यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाए, तो इसको समझेंगे। पहले देखिए, बिंदु का नाम है 1857 और आहुआ। 1857 के क्रांति में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जो जो कार्य किए उनका क्या योगदान रहा? क्योंकि ये जो आहुआ है यहाँ पर कोई छावनी भी नहीं थी, फिर भी इनका विशेष योगदान माना जाता है। 1857 में टोटल 6 ही छावनियां थी, आहुआ में कोई छावनी नहीं थी। तो इसको समझने के लिए पहले जो छोटी सी घटना है वो है एरिनपुरा। ये पहले तो मारवाड़ का भाग था और यहाँ सैनिक छावनी भी थी, अब वर्तमान में ये पाली में स्थित है। तो ध्यान दे, एरिनपुरा के सैनिकों को, जब एरिनपुरा में यहाँ जोधपुर लीजियन की टुकड़ी थी, सैनिकों की बात करें तो जोधपुर लीजियन, ये ध्यान रखना है, जोधपुर लीजियन यानी एरिनपुरा छावनी में कौन से सैनिकों की टुकड़ी थी? तो जोधपुर लेजियन सैनिक टुकड़ी। ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे हम आहुआ, लेकिन आहुआ तक जाने के लिए यहां से एरिनपुरा का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो छोटी सी बात हम एरिनपुरा की करेंगे, यहां भी विद्रोह है हुआ था। तो एरिनपुरा मारवाड़ में थी, यहां जो सैनिकों की टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी। अब इस जोधपुर लीजियन सैनिकों में आप ध्यान रख सकते हैं, इसमें जो तीन सैनिक विशेष माने जाते हैं वो तीन सैनिक हैं, शीतलराम, तिलकराम और मोती खां। इन तीनों को पता चलता है कहाँ का, नीमच, नीमच की छावनी में जो विद्रोह हुआ उसका, और नसीराबाद की छावनी में जो विद्रोह हुआ उसका, यानी इनको पता लगता है नीमच के विद्रोह का वह नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ, नसीराबाद छावनी के विद्रोह का। और इनको जो पता चलता है वो डेट है, यानी एरिनपुरा के सैनिकों को पता चलता है वो डेट है आपकी 21 अगस्त 1857। इनको जब पता चला, जोधपुर लीजियन के जो सैनिक है एरिनपुरा छावनी में नीमच विद्रोह का और नसीराबाद जो छावनी है उसके विद्रोह का, कब? 21 अगस्त 1857। तो इन्होंने एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया। ध्यान दें, इन्होंने किसके नेतृत्व में? तो इन्होंने इडर के, जो उस समय जब 1857 की क्रांति थी डूंगरपुर में हुआ करता था, डूंगरपुर इडर जो डूंगरपुर में था, वर्तमान में गुजरात में चला गया ये हिस्सा, तो इडर के शिवनाथ के नेतृत्व में, इडर के शिवनाथ के नेतृत्व इन्होंने एरिनपुरा की छावनी में विद्रोह कर दिया। साथ में विद्रोह करने के बाद इनका जो कार्य रहा, डेट याद रखेंगे, जोधपुर लेजियन याद रखेंगे, शीतलराम, तिलकराम, मोती खां, और कहां से सूचना मिली तब इन्होंने विद्रोह किया। यहां विद्रोह के दौरान इन्होंने छावनी को तहस नहस कर दिया। एवं जो विशेष बात है वो है कि राजस्थान के जो एजीजी थे, राजस्थान के एजीजी कौन, ये याद रखेंगे, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। तो इस पैट्रिक लॉरेंस के बेटे, पुत्र की हत्या,
कर दी। पुत्र का नाम था पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र का नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की हत्या कर दी वहां पे। इतना विद्रोह किया एरिनपुरा से छावनी में जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने। इस जोधपुर लीजियन के सैनिकों का ध्यान रखना है, यानी अब ये ही सैनिक जोधपुर लीजियन के जो सैनिक है वो शिवनाथ के नेतृत्व में, जो अभी मैंने बताया इंद्र के थे, ये शिवनाथ के नेतृत्व में चल देते हैं कहाँ, दिल्ली की ओर कूच करते हैं। और इनका नारा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी छावनी के सैनिक या कौन सी टुकड़ी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया, किसके नेतृत्व में दिया, शिवनाथ जो इटर के थे उनके नेतृत्व में दिया, तथा इसमें जो अभी मैंने बताई जोधपुर लीजियन की टुकड़ी के सैनिक थे उन्होंने ये कार्य किया। अब ये जा रहे हैं दिल्ली की ओर, इन्होंने कूच कर दिया। किस यहां तक की बात क्लियर होनी चाहिए कि एरिनपुरा छावनी में आहुआ से पहले विद्रोह हुआ था और ये भी जोधपुर के अंतर्गत ही पड़ती थी। वहां विद्रोह होने के बाद ये जो सैनिक थे दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं। ये घटना है होती है 21 अक्टूबर 1857 में, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद अब आना है हमें 1857 और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के पास। अब देखिए एरिनपुरा से सैनिक जा रहे हैं, एरिनपुरा के जोधपुर लीजिए सैनिक टुकड़ी जा रही है कहां पे, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जा रही है। और रास्ते में एक खैरवा गांव, ध्यान रखेंगे कौन सा गांव, खैरवा गांव कहां पड़ता है, पाली में गांव है ये खैरवा और ये पाली के नजदीक पड़ता है। वहां विश्राम हेतु रुकते हैं और उस खैरवा गांव में इनकी मुलाकात होती है आहुआ के, यानी अपने नायक इस समय जो आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत हैं उनसे इनकी मुलाकात होती है कहां पे, खैरवा गांव। और कुशाल सिंह चंपावत इनको मदद देने का वादा करके अपने साथ ले आता है कहां पे, आहुआ ये पड़ता है पाली में, आहुआ पाली में पड़ता है, पाली ले आता है। साथ ही साथ विद्रोह में साथ देने के लिए कह दिया, इसलिए अब कुशाल सिंह चंपावत ने कुछ रियासतों के शासकों को निमंत्रण पत्र भेजा कि 1857 में क्रांतिकारियों का साथ दे। तो उनमें दो तीन जो रियासतें हैं उनके शासक मुख्य बन जाते हैं। पहला है जैसे आसोप, आसोप रियासत के शिवनाथ सिंह, याद रखेंगे, इनको बुलावा पत्र भेजा। गुलर के बिशन सिंह को, गुलर के बिशन सिंह को बुलावा पत्र भेजा। और आलनियावास, तीनों को ध्यान रखना आगे भी ये काम में आएंगे, आलनियावास, आलनियावास के अजीत सिंह को क्रांतिकारियों का साथ देने हेतु बुलावा पत्र भेजता है कौन, कुशाल सिंह चंपावत। और तीनों के तीनों इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। इसके बाद की बात करें कि ये आकर के साथ में इनके साथ तीन चार रियासतों के शासक और आ गए और वो आकर के सारे जागीरदार प्लस आहुआ में एकत्रित होने लग गए। क्रांतिकारी कौन
कौन से क्रांतिकारी, बारी बारी से नाम लेंगे, जोधपुर लेजियन की जो टुकड़ी थी उसके क्रांतिकारी जो एरिनपुरा में तो अलेक्जेंडर के हत्या करके आ चुके हैं, पलस में कुशाल सिंह जो आहुआ के किले का मालिक है कुशाल सिंह, और साथ में ये जो आमंत्रित शासक है रियासतों के वो ऐसे इकट्ठे हो रहे थे आहुआ में। और ये सूचना, इस सूचना का पता चलता है किसको, माउंट आबू से रवि में बैठे हैं कौन, राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को। जब पैट्रिक लॉरेंस को यह पता चला कि पाली में आहुआ में क्रांतिकारियों का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो यहां फिर थोड़ी सी बात समझने लायक है। जब ये पता चलता है कि एजीजी अंग्रेज अधिकारी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर यदि हम बात करें तो उत्तरी पश्चिम प्रांत यानी पूरे भारत देश पर तो जो बैठा है वो है इस समय आपका लॉर्ड 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड केनिंग, ये तो कहां भारत में प्रमुख है। इसके नीचे है कोलविन, ये भी ध्यान रखना, कोलविन आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत प्रमुख है यानी इसके नीचे है ये कोलविन जिसका मुख्यालय, यदि कार्यालय की बात करें अपन कोलविन की तो इस कोलविन का कार्यालय है आगरा। लेखक कहते हैं कि ये नाममात्र का प्रमुख है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की बात करें तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के दो मुख्यालय हुआ करते थे, एक अजमेर में और दूसरे की बात करें तो गर्मियों में यह स्थानांतरित कर लेता था माउंट आबू सिरोही। 1857 की क्रांति जब चालू हुई थी तो 1857 की क्रांति के समय ये माउंट आबू सिरोही में था। तो अब ध्यान देना कि पीछे जो हमने बातें की कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने एरिनपुरा छावनी से निकले हुए सैनिकों की मदद की है तथा उनकी मदद का आश्वासन देकर के अपने पास रख लिए हैं, तो ये एजीजी जोधपुर के शासक, जोधपुर रियासत के शासक, और जोधपुर रियासत के शासक इस समय है आपके तख्त सिंह। उस तख्त सिंह को कहता है कि इस प्रकार के जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्य को आप रोकिए। इसके बाद तख्त सिंह ने क्या किया, अपने एक सेनापति ओनार सिंह प्लस कुशल राज सिंघवी कक्षा 9 के अंतर्गत इसका नाम मिलता है हमें, कुशल राज सिंघवी प्लस एक फौजदार था राजमहल लोडा, इन तीन को तख्त सिंह भेजता है। साथ में इनके साथ मिल जाता है एक अंग्रेज अधिकारी हीथ कोट, और इनकी संयुक्त सेना पहुंच जाती है क्रांतिकारियों का दमन करने हेतु बिथोड़ा नामक स्थान पर। कब, अब ये बिथोड़ा का युद्ध होगा इस स्थान पर कब, 8 सितंबर 1857।
यानी इतनी से नए लेकर के भिथोड़ा नामक स्थान पर, ये भिथोड़ा पाली में है, पाली में पहुंच जाते हैं और इनका सामना करते हैं, भिथोड़ा में इनका सामना करते हैं आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत प्लस क्रांतिकारी और आगंतुक। अभी जो बताएं आपको कि अशोक के सिर्फ नाथ सिंह जी आदि आए हैं, वो इनसे मुकाबला करते हैं, यानी कि थोड़ा नामक स्थान पर भी थोड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो इसका हमें ध्यान रखना है। भी थोड़ा का युद्ध जोधपुर के शासक तख्त सिंह द्वारा भेजे गए सेनापति ओनार सिंह, कुशल राज सिंह भी, फौजदार राजमहल लोडा प्लस एक अंग्रेज अधिकारी हीतकोट इनके, प्लस आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह एवं क्रांतिकारियों के बीच हुआ। और इस युद्ध में, इस भिथोड़ा नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ, यानी भिथोड़ा का युद्ध, भिथोड़ा का युद्ध हुआ इनके बीच, और इनमें जो परिणाम निकल करके सामने आ रहा है वो है कुशल सिंह चंपावत एवं क्रांतिकारियों की विजय। इनकी विजय होती है, ओनार सिंह मारा जाता है, शेष कुशल राज सिंह भी राजमहल लोडा और हीतकोट जान बचाकर भाग जाते हैं। तो पहला युद्ध यहां पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने जो पहला युद्ध किया उसमें विजयी हो जाता है, क्रांतिकारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। याद रखेंगे भी थोड़ा का युद्ध किन किन के बीच हुआ और इनके परिणाम क्या हुए। इनकी जो तिथि है वो क्या है, इनकी तिथि है 8 सितंबर 1857। जब ये हीतकोट भाग करके, अब हीतकोट कहाँ जाएगा, एजीजी के पास, और एजीजी राजस्थान का इस समय कौन है, पैट्रिक लॉरेंस। हीतकोट पैट्रिक लॉरेंस के पास जाता है, तो चूंकि जो पैट्रिक लॉरेंस था उसी के पुत्र की हत्या की थी एरिनपुरा के सैनिकों ने, और वो ही भाग करके जा रहे हैं, वो ही दिल्ली कूच किए हैं, वो ही रास्ते में आउवा के कुशाल सिंह चंपावत को मिलते हैं, और उन्हीं के लिए ये थोड़ा गुस्सा हो रहा है, कौन, पैट्रिक लॉरेंस। भिथोड़ा के युद्ध में पराजित होने की सूचना मिलने पर पैट्रिक लॉरेंस खुद निकलता है, प्लस अपने साथ जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट जिसको हम पीए बोलते हैं, कौन, मैक मोसन, इसको साथ में लेता है। दोनों युद्ध करने जाते हैं और ये युद्ध करने जहां पर जाते हैं उस स्थान का नाम है चेलावास गांव, इस कारण इसे चेलावास का युद्ध कहते हैं, चेलावास में युद्ध करते हैं। डेट की यदि हम बात करें तो मात्र 10 दिन बाद, यानी वो तो भिठोड़ा का युद्ध हुआ वो 8 सितंबर 1857 और ये होता है 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध पैट्रिक लॉरेंस प्लस मैक मौसम के बीच हुआ। इधर विपक्ष में वो ही आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत एवं क्रांतिकारी। परिणाम की बात करें, युद्ध शुरू हो गया, परिणाम की बात करें तो क्रांतिकारियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ था कि उन्होंने जोर शोर से युद्ध किया एवं इस मैक मोसन का सर काटकर, मोक मैसन का सिर काटकर
पूरे आहुआ में घुमाया जाता है तथा उस किले पे लटका दिया जाता है। इस स्थिति को देख करके पैट्रिक लॉरेंस वहां से भाग खड़ा हुआ, यानी मैक मोसन मारा गया और पैट्रिक लॉरेंस चेलावास से के युद्ध से भाग गया, यानी पुनः आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह एवं क्रांतिकारियों की विजय हुई। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट युद्ध है 1857 का, वो है चेलावास का युद्ध, राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस एवं जोधपुर राज्य के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मसन की संयुक्त सेना ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ युद्ध किया, जिनके साथ एरिनपुरा के सैनिक जोधपुर लीजियन की टुकड़ी के सैनिक थे वो साथ थे जो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। अब इसमें विजय होने के बाद पैट्रिक लॉरेंस भाग गया, कहां पे? अजमेर चला गया, बोले यहां लड़ने में कोई फायदा नहीं है, अजमेर चला गया पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद की यदि हम बात करें तो मामला थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस क्रांतिकारियों एवं इस आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से 2 बार पराजित हो चुके हैं। तीसरी बार की बात करें तो बात याद रखेंगे 20 अक्टूबर, ये बीच में ध्यान रखें, 20 अक्टूबर 1857 की घटना है कि अब जो क्रांतिकारी है वो दिल्ली की ओर कूच करने हैं, दिल्ली की ओर जा रहे थे, रास्ते में मिले थे, तो ये दिल्ली की ओर कूच कर गए। कौन कौन क्रांतिकारी प्लस इनके साथ जो आमंत्रित थे, अब याद रखना उनके आसोप के शिवनाथ प्लस गुल्लर के बिशन सिंह, इनके साथ एवं बात करें आलमिया वास के अजीत सिंह, ये जो दल था इतने सैनिक अब दिल्ली कूच कर चुके हैं, ये ध्यान रखना। कब? 20 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारियों का इन्होंने साथ दिया और अब ये क्रांतिकारियों के ही साथ हो चुके हैं, और ये जाकर के दिल्ली के रास्ते में जो रेवाड़ी है उस रेवाड़ी को जीत हासिल करते हैं, रेवाड़ी को जीत लेते हैं। लेकिन नारनौल, रेवाड़ी के आगे ये नारनौल जाते हैं, वहां की जो अंग्रेज सेना है उस अंग्रेज सेना के सेनापति गराड़, इसका नाम भी चाहो तो आप याद रख सकते हो, अंग्रेज सेनापति है ये गराड़, नारनौल में अंग्रेज सेनापति, इस गराड़ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना इनको जीत जाती है और ये वापस अपने अपने रास्ते हो जाते हैं। ये अब यहां पर 20 अक्टूबर को जब ये निकल जाते हैं तो कुशाल सिंह चंपावत के पास सैनिकों की संख्या, वापस यहां आ जाओ, कुशाल सिंह चंपावत के पास सैनिक आधे रह जाते हैं, आधे तो दिल्ली चले गए, अब इसके पास सैनिक कितने रह गए? मात्र आधे, क्योंकि इतने तो दिल्ली जा चुके हैं, रेवाड़ी फतेह कर ली, लेकिन नारनौल इनसे फतेह नहीं हुआ। नारनौल में जो अंग्रेज अधिकारी था कौन, गराड़, वो इनको जीत जाता है और तितर बितर कर देता है। इधर इसके पास सैनिक आधे बचे हैं, इन सैनिकों का लाभ उठाया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। इन आधे सैनिकों का जब पता चला कि कुशाल सिंह के पास आधे सैनिक हैं, तो बताते हैं कि एजीजी पैट्रिक लॉरेंस
को पैट्रिक लॉरेंस ने लॉर्ड कैनिंग, जो पूरे भारत का प्रतिनिधि था अंग्रेजों की तरफ से, उसको सूचना दी कि हम विठोड़ा के युद्ध में और चेलावास के युद्ध में आगवा के ठाकुर कुशाल सिंह तथा क्रांतिकारियों से हार चुके हैं और उन्होंने मेरे बेटे अलेक्जेंडर की हत्या कर दी है। तो पैट्रिक लॉरेंस को ही, लॉर्ड कैनिंग ने इसको ही दोषी माना। दोषी कारण जल्दबाजी इन्होंने कर दी। बोले मात्र 10 दिन के अंतराल में इन्होंने दो युद्ध कर दिए, यानी 8 सितंबर 1858 को तो हुआ बिठोड़ा का युद्ध, उसमें हार गए, हीट कोट उनार सिंह मारा गया था, उसके 10 दिन बाद ही आपने वहां पे आक्रमण कर दिया। कब? चेलावास का जो युद्ध था वो था 18 सितंबर 1858। तो जल्दबाजी हेतु, जल्दबाजी का इनको दोष दिया एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को। दोष देने के बाद ये खुद निकलते हैं, लॉर्ड कैनिंग अब खुद आउवा के ठाकुर से निपटने के लिए अब जो जा रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग प्लस इन्होंने अपने साथ लिया होम्स नामक अंग्रेज अधिकारी को, कैप्टन होम्स को। ये दोनों मिलकर के आउवा के आहुआ जा रहे हैं। तारीख है 20 जनवरी 1858, यानी इतना समय ले लिया इन्होंने। और ये समय लेने के बाद कुशाल सिंह, जैसे कि बताया कि अब सैनिक आधे बच चुके हैं, तो इनके प्लस कुशाल सिंह के मध्य युद्ध होता है, प्लस जो भी कुछ क्रांतिकारी बचे होंगे, ज्यादातर चले गए थे, तो क्रांतिकारियों के मध्य ये युद्ध होता है। आहुवा में ही ये युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम हमें नहीं मिलता, यानी अंतिम युद्ध होता है जिसमें कुशाल सिंह की पराजय हो जाती है। 23 जनवरी को, 20 जनवरी से ये युद्ध प्रारंभ होता है, और 23 जनवरी को ध्यान रखना, कुशाल सिंह जब ये जान जाते हैं कि अब विजय की आकांक्षा नहीं है, अर्थात हम अंग्रेजों को नहीं जीत पाएंगे, तो उस समय 23 जनवरी 1857 को किले का भार दिया। किले का भार, किले का भार लांबिया के शासक पृथ्वी सिंह को दिया। लांबिया ये पाली में ही है, पाली पृथ्वी सिंह को, और खुद वहां से निकल जाते हैं। किले का भार किसको क्वेश्चन बन जाता है कि युद्ध में विजय की आशा ना देख करके आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत किसको किले का भार सौंप करके निकल गए, तो लांबिया पाली के शासक पृथ्वी सिंह को किले का, आवा के किले का भार सौंप करके निकल गए। और निकल करके कहां जाते हैं, तो ये आउवा के ठाकुर जाएंगे नंबर एक पे कोठरिया के, जो कोठरिया के शासक हैं जोध सिंह, उसके पास जाएंगे, जोधपुर के शासक, वहां शरण लेंगे। प्लस में दूसरी यदि हम बात करें तो सलुम्बर जो उदयपुर में पड़ता है, दूसरे नंबर ये यहां पर भी रुकेंगे, सलुम्बर के शासक, इसके नीचे लिख देता हूं, दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो सलुम्बर के केसरी सिंह के पास, केसरी सिंह के पास रुकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट बन जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो 23 जनवरी को ये किले का भार पृथ्वी सिंह को सौंप करके इनकी शरण में चले जाते हैं, कोठरिया के शासक जोध सिंह, जोधपुर नहीं सॉरी जोध सिंह के पास, जोध सिंह के पास, तथा सलुम्बर के शासक केसरी सिंह के
पास चले जाते हैं। इधर लॉर्ड कैनिंग और होम्स ने 24 जनवरी को आहुआ के किले पर फतेह की। 24 जनवरी 1857 को आहुआ के किले पर फतेह की। हालांकि इन सैनिकों ने भी काफी वीरता के साथ युद्ध किया था, लेकिन विश्वासघात के कारण इन अंग्रेजों ने आहुआ के किले पर जीत हासिल कर ली। और जीत हासिल करने के बाद आहुआ को इन्होंने खूब लूटा, अत्याचार किए। जिन जिन ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था उन पर विभिन्न प्रकार के जुर्माने लगाए गए और युद्ध जीत करके जो विशेष प्रश्न आ जाता है कि ये जो होम्स है वो आहुआ के किले के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर में सुगाली माता की मूर्ति है उसको उठा ले जाता है। सुगाली माता की मूर्ति या सुगाली देवी की मूर्ति है उसे होम्स उठा ले जाता है। ये पहले कहां थी? आहुआ में। और इसको होम्स ले जा करके अजमेर में स्थापित कर देता है। अजमेर में स्थापित कर देता है। अब इसकी दो तीन बातें हैं। सुगाली माता को क्रांतिकारियों की देवी कहा जाता है, क्रांतिकारियों की देवी, तथा इसके दस सिर व 54 हाथ माने जाते हैं। 54 हाथ और 10 सिर वाली देवी से कहा जाता है। वर्तमान में यदि बात करें कि सुगाली माता की जो मूर्ति है वो वर्तमान में कहां पे है, तो ये वर्तमान में बागड़ संग्रहालय है पाली में। बागड़ संग्रहालय कहां है? पाली में। तो बागड़ संग्रहालय पाली में ये स्थित है सुगाली माता की मूर्ति। अब थोड़ी सी यदि बात करें हम ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की, तो ये युद्ध जीत करके चले जाते हैं। इधर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कोठरिया के ठाकुर, जो कोठरिया के ठाकुर थे उनके यहाँ शरणार्थी बन करके रह रहा है। और बात करें कि 1960 तक ये विभिन्न प्रकार की चोरी डकैती लूटपाट करके अपना जीवन यापन करता है और उसके बाद नीमच में आत्मसमर्पण कर देता है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत नीमच में अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देता है 1960 नवंबर 1960 में नीमच में अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण कर दिया। एवं इसके बाद यदि हम बात करें, आत्मसमर्पण करने के बाद अंग्रेजों ने इस पर मेजर टेलर आयोग बैठा है। मेजर टेलर आयोग जांच हेतु बैठाता है और इसने 1960 में ही इसको 1960 में निर्दोष करार देता है। कौन? मेजर टेलर आयोग। और सन 1964 में यदि बात करें तो ये महान स्वतंत्रता संग्राम का जो क्रांतिकारी था आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, वो 1964 में उदयपुर में अपनी आत्मा का त्याग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं,
इस प्रकार हमने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के, जिन्होंने कि दो युद्धों में अंग्रेजों को काफी नुकसान भी किया, हराया भी, क्रांतिकारियों का साथ दिया, जनता ने भी इनका खूब साथ दिया। 1864 में ये है जो यह लोगों को छोड़ करके परलोक में चले जाते हैं। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को, वहां पर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर को जो मारते हैं, ये जोधपुर लीजियन के सैनिक शिव ईडर के शिवनाथ के नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी को देखना है, वहां के विद्रोह को देखना है। उसके बाद 21 अगस्त के बाद हमें आना है फिर 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के पास, और पिठोड़ा का युद्ध देखना है, उसके बाद चेलावास का युद्ध देखना है, उसके बाद होम्स के नेतृत्व में जो भारत के प्रतिनिधि थे, अंग्रेज प्रतिनिधि मुख्य, उनके साथ युद्ध होता है और उसमें कुशाल सिंह की हार होती है। और वो भी इस कारण क्योंकि ये जो आधे सैनिक बचे थे, ये आधे सैनिक 20 नवंबर को चले जाते हैं, दिल्ली कूच के लिए निकल गए थे ये, तो अक्टूबर के बाद में 20 नवंबर को ये दिल्ली कूच के लिए निकल जाते हैं, और वहाँ रेवाड़ी में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। बट जो नारनौल था, वहाँ का जो अंग्रेज सेनापति था गरार, उसको ये किसी प्रकार से जीत नहीं पाते। इनके साथ साथ कौन थे, विरोधी कौन थे, जैसे जोधपुर का जो तख्त सिंह था शासक, वो जो अंग्रेजों का ही शुभचिंतक था, इसने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो इस प्रकार से देख करके एक बार बुक में पढ़ने से शायद हमें याद हो सकता है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।